So, brothers and sisters, Assalamualaikum. this is the second part of my Creo modeling video. So, in this video, I'm using some more tools and commands. So, let's get started. First of all, I will open the Creo, uh, I'm using Creo 7, um, use the file name as part 2, and okay. Now, I will first of all select the units, uh, going to file. And in paper I will select the model properties. From there I change the units from inches to MMKS and set and OK. Now in this video I will be modeling this fol uh, following diagram as you can see. So planes like we, we will use the front plane. तो इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर स्केचिंग स्टार्ट कर देंगे हम सबसे पहले जो है वो डैमेज़ देख लेते हैं इस बॉडी की तो इस पेशा लिखा हुआ है फिफ्टी सेवेंटी और हंड्रेड के डायस लिखे हुए हैं तो हम जो है ये पूरी बॉडी नहीं बनाएंगे इसकी हाफ़ बॉडी बनाएंगे यानी कि फिफ्टी सेवनटी फाइव और हंड्रेड लिखा हुआ है तो हम ट्वेंटी फाइव और थर्टी सेवन पॉइंट फाइव और फिफ्टी के लेंस के ऊपर जो है ये तीनों चीज़ें बनाएंगे तो सबसे पहले जो है वो हम 37.5 की जो है वो एक लाइन लगाएंगे हॉरिजेंटल लाइन अब हम वापस जो है वो डायग्राम को देखेंगे तो उसमें जैसे नज़र आओगे कि 60 और 70 का डिस्टेंस है यानी कि दोनों में जो है वो 5 ऊपर और 5 नीचे का जो डिस्टेंस है तो हम फाइव एक लाइन लगाएंगे फिर उसके बाद ये आगे जो हंड्रेड का जो डाय है यानी कि सेवेंटी फाइव से हंड्रेड के दरम्या जो डिस्टेंस है वो तकरीबन तो आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव विच इस फिफ्टी माइनस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव तो इससे ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिस्टेंस आ जाएगा तो इसकी एक और हॉर्जेंटल लाइन आगे आ जाएगी फिर उसके बाद फिर नीचे हमने जाना है तो हमें फिर से जो है वो फाइव की जो है वो हम एक और लाइन लगा लेंगे इसके बाद फिर हमने एक और जो है वो हॉर्जेंटल लाइन लगानी है जो कि हंड्रेड और फिफ्टी के बीच में है तो ये क्योंकि हाफ हाफ है तो ये ट्वेंटी फाइव की आ जाएगी लाइन इसके बाद हमने जैसे पहले से एक फ़ाइव की जो है वो हमने लाइन ले ली थी तो यानी कि सिक्सटी में से फाइव हम पहले से लगा चुके हैं तो हमने फिफ्टी फाइव की एक आ, जो है वो वर्टिकल लाइन ले लेंगे और ऊपर जो लाइने ली थी हम फिर से वही ड्रा कर लेंगे जैसे कि हम नज़र आओ के ऊपर जैसे हम लाइन ड्रा करते तो हमें ग्रीन शो हो जाता है कि ये उसके बराबर ही लाइन आ रही है जो हमने पहले से ऊपर लगाई हुई है तो इसके इससे हमें आसानी हो जाती है नीचे वाली लाइंस भी ड्रा करने में अच्छा अब ये हाफ़ पोर्शन जो है हो चुका है अच्छा अब जो साइड कॉर्नर्स हैं हमने उसको जो है वो कर्व देना है तो हम फ्लेट की जो है कमांड वो यूज़ करेंगे हम ये पहले कॉर्नर को जो है फिलट देंगे फिर दूसरे वाले कॉर्नर को और इसी तरह नीचे के जो दो कॉर्नर्स हैं उनको भी हम जो है फिलेट दे के ओके दबा देंगे और फिर इसकी जो है वो डायमेंशन सेट कर लेंगे हम जो कि थ्री की थ्री के रेडियस की तो ये हम चारों पे दे देंगे पहले ऊपर दो के और फिर नीचे वाले दो के अच्छा करफ कम्प्लीट होगी अब हम जो है वो नहीं ये जो स्केच बनाए हम इसी की एक और फॉर्म बनाएंगे मगर हमें फिर से सारे स्टेप्स नहीं फॉलो करने पड़ेंगे जब बल्कि हम एक मेथड यूज़ करेंगे तो हम ऑफसेट का टूल यूज़ करेंगे और हम पहले लाइन को ऑफसेट देंगे नीचे की तरफ तो वन का आ जाएगा जैसे हमें में वन के वन है अब ये कर्व का ऊपर आ रहा है तो हम इसको नीचे लाने के लिए माइनस वन का देंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा इसी तरह इस लाइन का देंगे और एरो की डायरेक्शन के हिसाब से जो है वो हम उसके पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो ऑफ उसकी वैल्यू देंगे तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ अभी हमारा ऑफसेट जो है वो कंप्लीट हो गया है अब ये जो रेड रेड शो हो रहा है इसका मतलब है कि अभी इनकम्प्लीट है हमारा स्केच तो मैं ये लाइनें जो है ये ड्रा कर लेता हूँ जैसे ये लाइन इसको थोड़ा एक्सटेंड करके इसके साथ ज्वाइन कर दी इसी तरह ये इसके आगे जो है ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं इनको मैं डिलीट कर दूँगा इस वाली को इस वाली को और इसके अलावा फिर एंड पे भी दो मीट नहीं और इनको भी मैं मीट कर दूंगा इसी तरह जो है वो मैं नीचे से भी ये काम कर लूँगा तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये पिंक हो चुका है इसका मतलब है कि ये रीजन ये कम्प्लीट हो गया है और अब इसको जो है थ्री डी में कन्वर्ट कर सकते हैं मगर ये एक्सट्रूड के वजह एक और कमांड से होगा तो वो रिवॉल्व ही कमांड है तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें जो है वो एक सेंटर लाइन ड्रा करनी पड़ती है ये मैं एक सेंट्रल लाइन ड्रा कर ली है वर्टिकल सेंटर लाइन जो कि इन दोनों एंड्स के ऊपर होगी फिर हम जो है ओके okay दबाएंगे और वॉल्फी कमांड यूज करेंगे अब आप देख सकते हैं ये ये देखें ये पूरा एक सेक्शन बन गया और ये बीच में एक जो सर्कल सा बना हुआ है ब्लू कलर का येलो और ब्लू कलर का इसको प्रेस करके जो है ये रोटेट uh, हो सकता है हम जितने भी एंगल पे इसको जो है वो रोटेशन प्रोवाइड करनी होती है ये रोटेट हो जाता है और ये बॉडी हमारी एक्जैक्टली वही फॉर्म हो गई है जो कि उस पिक्चर के अंदर थी अब हम जो है वो एक और मॉडल बनाएंगे तो उसको रिमूव करके ये ये मॉडल है जैसे कि आप देख रहे होंगे इसके ऊपर एक सिलेंडर उसके ऊपर थ्रेड्स बनी हुई हैं तो हमने ये बनाना होगा तो सबसे पहले जो है वो मैं प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ यूजली जो है फ्रंट प्लेन यूज है तो फिर से मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लूँगा और उसके ऊपर जो है वो स्केचिंग स्टार्ट कर दूंगा तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो थर्टी के डाई का जो है वो एक सर्कल बनाऊँगा और फिर इसको जो है वो मैं हंड्रेड का जो है वो एक्सक्रूड दे दूँगा सॉलिड एक्सक्रूड आ जाएगा हंड्रेड का और ये सिलेंडर बन गया है अब जो है हमने इसके ऊपर थ्रेड्स बनानी है अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये फिलेट एक साइड यानी कट्स लगे हुए तो तो ये जो है ये आ, इसको जो है वो हम आ, कर लेंगे इस हमने पहले दोनों कॉर्नर्स सेलेक्ट कर लेंगे दोनों एजेस सेलेक्ट कर लेंगे इस सिलेंडर के ये पीछे के भी दो कर लेते हैं और इसको जो है वो हम शैम्फर कर देंगे शैम्फर टूल सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे कि उसके ऊपर डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ है कि फोर्टी फाइव इंटू डी है तो फोर्टी फाइव इंटू डी सेलेक्ट करेंगे और डी टू है और इसके ऊपर हम टू की वैल्यू जो है वो मेंशन कर देंगे तो ये शैम्फर हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डमेंशनस अब जो है वो हम थ्रेड्स बनाना स्टार्ट करते हैं थ्रेड्स मारने के लिए सबसे पहले जो है हमें इसकी जो सरफेस है ऊपर अपर सरफेस जो है सिलेंडर uh, की हमने पहले वो बनानी होंगी तो हम ये एक सरफेस सेलेक्ट करेंगे और प्लेन के ऑप्शन यूज़ करके ऊपर जो है वो एक uh, नया प्लेन बना लेंगे तो अब अब जो है वो हम इस प्लेन के ऊपर स्केचिंग करेंगे तो जैसे कि आपने डायग्राम में देख सकेंगे कि थ्रेड का जो फर्स्ट थ्रेड है उसका जो डिस्टेंस है वो सिक्स के डिस्टेंस पे है तो हम पहले एक सिक्स की लाइन लेंगे आम ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टॉप एच इसका और ये सिक्स यहाँ में एंड से और एक इस लाइन को एक और मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे तक तो और इसको मैं जो है वो डायमेंशन दे देता हूँ सिक्स का अच्छा अब हम वापस अपनी जो है वो डायमेंशन में जाते हैं टाइग्राम की अब इसमें आगे उस फर्स्ट थ्रेड से आगे का जो डिस्टेंस है वो है सेवेंटी फोर पॉइंट वो है सेवेंटी फोर पॉइंट वन फाइव तो हम इसकी भी एक लाइन ड्रा कर लेंगे इसको मैं ड्रा करके इसका डेमे दे देता हूँ सेवेंटी फोर पॉइंट वन फाइव का और प्राइम लाइन को जो है वो हम डिलीट कर देंगे अच्छा जी लेंथ सेलेक्ट हो चुकी है थ्रेड्स की अब हमने इसके ऊपर जो है वो थ्रेड बनाना स्टार्ट करने करनेल्स स्वीप की कमांड यूज़ करेंगे ये स्वीप के अंदर जाएंगे और नीचे हेलिकल स्वीप की कमांड यूज वो ये प्लेन मांग एक रेफरेंस प्लेन मांग रहा है जिसके ऊपर ये जो है वो बनेंगी हेलिकल्स बनेंगे तो हमने जो लाइन बनाई थी हमने उसका प्लेन सेलेक्ट कर लिया और अब हम जो है वो ये स्क्वेयर टाइप जैसे बने हुए हैं तो हम इस ऊपर जो है फोर बाय फाइव का जैसे ये फाइव इसकी हाइट है और फोर इसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल जेंटल लेंथ तो इसका जो है वो एक रैक्टेंगल बनाएंगे इस लाइन के स्टार्ट में ये रैक्टेंगल बना के इसकी जो है वो हम डमिश देते हैं फोर बाय फाइव और फिर ओके okay प्रेस कर देंगे अब जो है हमने इसकी पिच वैल्यू सेलेक्ट करनी है यानी कि जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है हमने वो सिलेक्ट करनी है तो जैसे कि उसके ऊपर तकरीबन सेवन थ्रेड्स uh, हैं तो हम अगर हम जो है वो सेवेंटी फोर को सेवन से डिवाइड करें तो ये तकरीबन टेन पॉइंट फाइव सेवन आता है हम जो है वो ट्वेल्व एक्स जो है वो एज्यूम कर लेते हैं एक इवन नंबर को जो है वो एज्यूम कर लेते हैं और अब जो है वो हम ओके प्रेस करके ये थ्रेड्स फॉर्म हो जाएंगी अच्छा एक और चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर ये थोड़े स्मूथली बने हुए हैं तो हम इसको भी जो है इसकी जो साइड्स हैं उसको हम एक कर्व प्रोवाइड कर देंगे ए, एट रेडियस ऑफ थ्री एट द रेडियस ऑफ थ्री तो हम ये राउंड टू सेलेक्ट करेंगे और ये एक इस साइड को और ये दूसरी साइड को सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू हम थ्री की दे देंगे जैसे कि उसके ऊपर मेंशन है थ्री का रेडियस तो थ्री की आ, उसके ऊपर रेडियस आ गया और अब जो है वो हमारा मॉडल कम्प्लीटली बिल्टअअप हो चुका है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायमेंशन आज की वीडियो में जो है वो यही था इन दो डायग्राम्स को बना इन दो मॉडल्स को बनाना और इसके ज़रिए से जो है वो नए टूल्स को समझना तो आने वाली वीडियोस में जो है मैं इस तरह और मॉडल्स बनाऊंगा और उससे जो है वो मैं और नए टूल्स के बारे में बताऊंगा डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू सो मच खुदाफिज